शरीर से तीन काम करो, नेत्रों से प्रभु दर्शन की अभिलाषा, से हरि नाम का उच्चारण और इन हाथों से मधुर कर तल। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां जब एकाग्र होंगी तो मन हरि के चरणों में लग जाएगा। संकीर्तन करते हुए चले, हमारे आचार्य शास्त्री जी से निवेदन है, आरती प्रज्वलित करेंगे, इसके बाद आरती। हरि शरणम 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 हरि आरती उतारी जाती है की नहीं जाती है? आर्त शब्द से आरती की उत्पत्ति हुई है। आर्त का शाब्दिक अर्थ है द्रवित होना। आरती के समय हर व्यक्ति अपना स्थान छोड़ दे, खड़े हो जाए। आरती उतारी जाती है,
आरती पांच चीजों से उतारी जाती है, पंच ज्योति भारतीयति पावन दुलारे के भारतीयति पावन दुलारे के मलमथन पिता परिवार Oh,
हस्ते पुष्पाण्यालय मंद पुष्पाञ्जलि हरि ओ जगमेनाजगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः। बुजुर्गगण, सहोदर भ्राता, सत्संग पांडाल में पधारी हुई समस्त आदिशक्ति राधा रानी स्वरूपा मेरी माताएं बहनें वयोवृद्ध इस समिति के समस्त सदस्यगण, प्रधान सचिव सेक्रेटरी, मैं पहली बार आया हूँ। मुझे किसी का नाम अगर ज्ञान नहीं है तो सब स्वरूपी सबको वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते हुए अपने सिर पे सद्गुरुदेव के वरद हस्त का आभास करते हुए माँ शारदा ने मेरी जिह्वा पे जो भी प्रसाद दिया है वो शब्द स्वरूपी प्रसाद आप तक पहुंचाने की मैं चेष्टा करूंगा। आशा करता हूं इसे श्रवण करके जीवन में उतारेंगे, क्योंकि मेरे भाई बहन, धर्म चर्चा का विषय नहीं, धर्म चर्चा का विषय नहीं, चर्या का विषय है। धर्म को जीवन चर्या में लाने की आवश्यकता है, सिर्फ चर्चा की नहीं। हम अगर सिर्फ धर्म की चर्चा करेंगे और चर्या में नहीं लाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं। बाकी हरि की कथा की अगर बात करेंगे तो समस्त पृथ्वी मंडल का मैं कागज बनाऊं, सप्त सरोवर की स्याही, समस्त वन वृक्षों की लेखनी बनाओ तो भी हरि की कथा लिखी नहीं जा सकती। हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो फिर मेरे जैसे मूर्ख प्राणी हरि की कथा का व्याख्यान क्या कर सकते? ये सब कुछ कैसा है कि गुरु त्यागाद भवेत मृत्यु, मंत्र त्यागाद दरिद्रता,
गुरु मंत्र परित्यागी रौरवं नरकं व्रजे गुरु भक्ति विहीनस्य तपो विद्याव्रतं कुलं निष्फलं हि महेशानि केवलं लोकरं। सब कुछ सद्गुरुदेव की कृपा से यह संभव है। गु वृद्ध शब्द है, गु वृद्ध शब्द है और रु शुद्ध शब्द है, इसलिए गु का अर्थ अंधकार और रु का अर्थ प्रकाश। एक वृद्ध शब्द को शुद्ध शब्द के साथ अगर जोड़ दें तो उसका भावार्थ बदल जाता है। ऐसे एक कुमारगी भी सत्संग में आके श्रवण करे तो उसके जीवन का भविष्य बदल जाता है। महाराज ये राम नाम की ताकत। लेकिन गुरु बहुत मिलते हैं, सदगुरु की आवश्यकता होती है। सनातन की पद्धति है किसी भी कार्य के शुभारंभ में अपने गुरु चरणों में वंदन किया जाता है। आए एक बार मैं उस सतगुरु की चरणों में वंदन करूंगा जिसने इस कंकर को मोती बनाया। आप लोग भी मिलकर स्मरण करेंगे, पुनः कथा की शुरुआत करेंगे। कथा के श्रवण से जीवन की व्यथा का हरण होता है, कथा के श्रवण से जीवन में व्यथा का हरण हो जाता है, पर उसके लिए पात्र सुंदर चाहिए और पात्रता भी सुंदर चाहिए, वक्ता भी सुंदर चाहिए और श्रोता सुंदर चाहिए। नहीं तो कथा श्रवण करके अगर जैसे अभी हमारे आचार्य जी ने पवित्रीकरण कराया होगा, सारी चीजें अब नई खोडस मात्र का से लेकर सारे पीठों का निर्माण किया गया, सब चीजों को आवाहित किया गया। हमारे आचार्य जी ने सुंदर मंत्रों से उच्चारण किया, हरि हौ मा पवित्रम पवित्रौ सर्वास्थान गतोपि। ये पवित्रीकरण है, स्वाभाविक है, वातावरण पवित्र है, लेकिन वास्तविकता में पवित्रीकरण का अभिप्राय क्या है? अपनी आत्मा में देवत्व धारण करना। अगर आपकी आत्मा में देवत्व नहीं है तो पवित्रीकरण का कोई अभिप्राय नहीं। ठीक उसी तरीके से यह ज्ञान आचरण में सार्थक है, बातों में नहीं। बातों का ज्ञान तो अहंकार का प्रतीक हुआ करता है। पकड़ ली बाह सतगुरु ने, पकड़ ली बाह सतगुरु ने, हमें किस बात की चिंता है। पकड़ ले सतगुरु ने, हमें किस बात की चिंता सतगुरु ने, किस बात की चिंता। पकड़ ली सतगुरु ने, हमें किस बात की चिंता। हमारे संग है गुरुदेव, हमारे संग है गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। बड़ी महा
ब्रह्मरातु विचार्येवं तदा देव आसम। कहते रहे देवताओं, कहां ये अमृत, कहां ये श्रीमद् भागवत कथा अमृत, कहां मणि, कहां क्वथ खाचा, शीशे की वस्तु, शीशे की वस्तु की तुलना मणि से कर रहे हो, भारत मणि से कर रहे हो है? कौन सुधा कौन कथा लोगे, कौन काज कौन मणि महान, ब्रह्मरा तो विचारे तथा देव उपहास कर दिया मसीह। अस्तु कहीं ना कहीं उस अमृत का